कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो याद है? क्या पढ़े थे हम लास्ट टाइम? मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कितने केसेस कंसीडर किए थे? केस वन, केस टू, केस थ्री। कितने केसेस कंप्लीट किए थे? केस वन एंड केस टू। क्या था केस नंबर वन? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या था केस नंबर टू? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आज लेने वाले हैं केस नंबर थ्री। केस वन, केस टू हो गए थे, केस नंबर थ्री। केस थ्री पे आए उससे पहले आपको केस वन और केस टू याद होने चाहिए। क्या केस वन और केस टू याद हैं आपको? अगर याद नहीं है तो आगे वाला वीडियो फिर से देख लीजिए। आ जाते हैं केस थ्री पे। केस थ्री, व्हाट इज केस थ्री? व्हेन एंगल बिटवीन V vector and B vector is theta, then what will happen? Now we are not considering this theta to be zero. Now we are not considering this theta to be 90 degree. मतलब अब कोई एंगल थीटा कंसिडर करना है, जो कुछ भी हो सकता है पर 0 और 90 के अलावा। तो when angle between V vector and B vector is theta, theta that is not equal to 0, theta that is not equal to 90 degree, that is case number 3. चलिए, here if I consider Cartesian coordinate system x, y and z like this, then what will happen? Here let me consider magnetic field in this direction. This is the direction of magnetic field. Okay. This way we can consider direction of magnetic field. This is B vector. And here I am considering one charge particle plus Q. Correct? And this plus Q makes an angle theta with x-axis. We are considering this charge particle plus Q in xy plane, and this charge particle makes an angle theta. Correct? Ko theta angle bana raha hai. Okay. And this is the direction of velocity vector V vector. So when there is an angle between V vector and B vector, when angle between V vector and B vector is theta, and if theta is not 90 degree, if theta is not 0, at that time what should we do? We should consider two components of velocity. Kya consider kar lena chahiye? Do component consider kar lene chahiye. To kaun se do component banenge? First we have to consider component of velocity parallel to magnetic field. So component of velocity parallel to magnetic field will be कंपोनेंट ऑफ वी एडजेसेंट टू थीटा. क्या बनेगा? वी कॉस थीटा. एंड कंपोनेंट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वी परपेंडिकुलर, वो क्या बनेगा? वी साइन थीटा. राइट? यस सर. अब इस वी वेक्टर को भूल जा, हमें किस पे फोकस करना है? वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल को. अब जो कुछ भी होने वाला है ये दो कंपोनेंट की वजह से होने वाला है. केस वन और केस टू याद हैं तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी. वी पैरेलल दैट इज नथिंग बट केस वन, एंड वी परपेंडिकुलर दैट इज नथिंग बट केस टू. याद है? व्हेन वी कंसीडर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंपोनेंट, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो. यस सर. When we consider this component, then magnetic force due to this component of velocity will be zero. When magnetic force is zero, it means acceleration that is zero. And when acceleration that is zero, it means change in velocity will be zero. It means this V parallel remain
constant. V parallel, that is V cos theta, remain constant. इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. देयरफॉर हियर दिस वी पैरेलल, ड्यू टू दिस वी पैरेलल, द मोशन ऑफ पार्टिकल वी हैव टू कंसिडर इन दिस डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम. ओके, याद करो वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा. व्हेन वी कंसिडर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होता है? वी विल गेट सर्कुलर मोशन, यस और नो? इसकी वजह से सीधा मोशन. वी हैव टू कंसिडर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. बट व्हेन वी कंसिडर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देन ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, याद करो लास्ट टाइम हम पढ़े थे, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? गोल घूमने वाला है. और इसकी वजह से क्या करने वाला है? सीधा चलने वाला है. ड्यू टू दिस टू कंपोनेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन? पहले कंपोनेंट की वजह से उसे चलना चाहिए सीधा, दूसरे कंपोनेंट की वजह से उसे क्या करना चाहिए? गोल घूमना चाहिए. तो क्या होगा? दोनों की इफेक्ट क्या बनेगी? व्हेन वी कंसिडर इफेक्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, देन द इफेक्ट विल बी लाइक दिस. ध्यान से देखना, द पार्टिकल विल परफॉर्म मोशन लाइक दिस. घूमेगा भी आगे बढ़ेगा भी, घूमेगा भी आगे बढ़ेगा भी, घूमेगा भी आगे बढ़ेगा. सो दिस टाइप ऑफ पाथ वी विल गेट, दैट इज कॉल्ड हेलिकल पाथ. एंड द पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके पास अब दोनों कंपोनेंट है. व्हेन वी कंसिडर सम एंगल थीटा विच इज नॉट 0 degree, विच इज नॉट 90 degree, एट द टाइम वी विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एंड ड्यू टू दिस टू कंपोनेंट्स दिस चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म हेलिकल मोशन. इट विल फॉलो हेलिकल पाथ. व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज थीटा, देन द पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ. क्या क्लियर है? एकदम क्लियर. गोल घूमना भी है, आगे चलना है. घूमेगा आगे चलेगा, घूमेगा आगे चलेगा. क्या दिख रहा है? एक सर्कल कंप्लीट करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, कंप्लीट करेगा आगे बढ़ेगा. यस और नो? कंप्लीट आगे, कंप्लीट आगे, कंप्लीट आगे, लाइक दिस. क्या ठीक? हेलिकल पाथ तो मालूम है, तो पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है? हेलिकल पाथ. ड्यू टू दिस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, पहले की वजह से मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. दूसरे की वजह से कैसा होगा? सर्कुलर मोशन. ठीक, ओके. इफ आई वांट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, क्या चाहिए मुझे? मान लो कि मुझे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालनी हो, तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या बनेगी? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, याद करो केस टू में हमने ऑब्टेन किया था आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. क्या था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ? एम वी अपॉन क्यू बी. बट क्या यहाँ पे भी आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होगा? नहीं. हियर सर्कुलर पाथ इज ड्यू टू वी परपेंडिकुलर. किसकी वजह से? वी परपेंडिकुलर. यस और नो? यहाँ पे भी ये एम वी परपेंडिकुलर ही है, पर यहाँ पे वी परपेंडिकुलर क्या बन रहा था? V. यहाँ पे क्या बनने वाला है? V perpendicular is equal to V sin theta. Yes or no? V sin theta. Theta कुछ भी हो सकता है, 30 degree, 60 degree. So is equal to M V sin theta upon QB. तो इसके लिए रेडियस क्या बन जाएगी? M V sin theta upon QB. क्या ठीक? ओके. Now, we want to find pitch. क्या find करना चाहता हूँ? Pitch. What is called pitch?
दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच. याद हो तो पिच वर्ड यूज़ किया था हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए. याद है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में पिच फाइंड करते हैं. सो हियर सपोज दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम विच इट स्टार्ट्स इट्स मोशन. तो ये चालू किया यहाँ से कंप्लीट करते एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँचा होगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट सर्क्यूलर मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल पाथ और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पिच. क्या बोलते हैं पिच. सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पिच. डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच. करेक्ट. यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एक सर्कल कंप्लीट यहाँ से होगा. यहाँ से स्टार्ट किया तो यस सर यहाँ पे आया है पार्टिकल ये गया और यहाँ पे कंप्लीट होगा. सो दिस डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच. क्या ठीक. चलो तो ये पिच का फॉर्मूला क्या बने मुझे बता. पिच का फॉर्मूला क्या बनेगा. पिच इज इक्वल टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी हैव टू कंसिडर वी पैरेलल एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज टाइम पीरियड टी. सो वी पैरेलल इनटू टी. क्या ठीक. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कंसिडर दिस डिस्टेंस पिच. तो यहाँ पे कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर नहीं कंसिडर करेंगे. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कवर्ड वी हैव टू कंसिडर एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी शुड कंसिडर वी पैरेलल. वी परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं तो वी पैरेलल इनटू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन. यहाँ से यहाँ पे आने में जो समय लगेगा वो क्या होगा टी. चल टाइम पीरियड टी. पर वी पैरेलल तो क्या है वी कॉस थीटा. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो तो हमने ऑब्टेन किया था. क्या था टाइम पीरियड 2πm/qb एंड आई टोल्ड यू दैट दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. उसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल. यस और नो. सो 2πm/qb. सो फॉर्मूला ऑफ पिच दैट इज 2πm/qb वी कॉस थीटा. सो दिस वे वी कैन ऑब्टेन पिच. क्या ठीक. दिस इज केस नंबर 3 व्हेन एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा एट द टाइम द पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ एंड रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ विल बी mv sin θ/qb एंड पिच दैट इज वी पैरेलल इनटू टी. याद करो फॉर्मूला क्या था स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या बनेगा स्पीड इनटू टाइम. सो हियर स्पीड दैट इज वी पैरेलल वी कॉस थीटा इनटू टाइम दैट इज 2πm/qb. यस सर. क्या ठीक. 2πm/qb इनटू वी कॉस थीटा. राइट. सो दिस वे वी कैन ऑब्टेन पिच. केस नंबर 3 क्लियर है एकदम परफेक्ट. ओके आइए सोल्व करते हैं कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स. केस नंबर 1 केस नंबर 2 केस नंबर 3 तीनों केस क्लियर हैं तो अब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं. आइए सोल्व करते हैं कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स. आइए सोल्व करते हैं एग्जांपल 4.3. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मास दिया गया है हमें 9 × 10⁻³¹ kg एंड चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम.
तो हमारे पास q है, m है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास v भी है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, परपेंडिकुलर टू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दे दी। कैसी कंडीशन दे दी? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल परफॉर्म, इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट वी हैव टू फाइंड, मास दैट इज गिवन टू अस 9 × 10⁻³ के जी, देन चार्ज क्यू दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? और चीज क्या फाइंड करने को बोला? फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन केईवी, एनर्जी भी फाइंड करने को बोला है, एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रो वोल्ट। 1 eV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अबाउट ईवी वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 eV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। पहले फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। चल तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या था? mv अपॉन qb, याद है? मास क्या दिया हुआ है हमें? 9 × 10⁻³⁹ kg, 10⁻³⁹ into 9 into speed that is 3 × 10⁻⁷ upon charge that is 1.6 × 10⁻⁹ into magnetic field that is 3 magnetic field that is 6 × 10⁻⁴ tesla. 3 × 2 = 6, 1.6 × 2 that is 3.2, 9 upon 3.2, so 9 upon 3.2 that is 2.81, 10⁻³ plus 7 कितना बनेगा? 10⁻³ plus 7, minus 31 plus 7 that is nothing but 10⁻², minus 24 plus 19, 24 plus 19 क्या बनेगा? 10⁻⁵, 10⁻⁵ plus 10⁻⁴, 10⁻⁻¹, तो ये बनेगा 10⁻⁻¹। तो रेडियस हमारी जो बनने वाली है 0.28 सेंटीमीटर के मीटर, 0.28 मीटर। सब एसआई में है तो आंसर क्या आएगा? 0.28 मीटर, राइट? ओके, चलो रेडियस हमें मिल चुकी है दैट इज 0.28 मीटर। अब आगे भी क्या फाइंड करने को बोला? व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ। चलो सेंटीमीटर में करें तो क्या बनेगा? 28 सेंटीमीटर। अब निकालनी है फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? एक तो आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, qb बाय 2 पाई एम वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू qb upon 2 पाई एम। चलो q है हमारे पास, b है, m भी है, 2 पाई भी है, तो लगा दे क्या बनेगा? चार्ज q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली हमें? दी हुई है 6 × 10⁻⁴ अपॉन 2 × 3.14 इंटू मास, मास क्या दिया हुआ है? 9 × 10⁻³। चल
क्या बनेगा? 1.6 टू 3 चार 6 3 3 चार 9 तो 1.6 अपॉन 3.14 तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 0.1698 इंटू 10^2 माइनस 19 माइनस 4 माइनस 23 प्लस 31 क्या बने? 10^7 के 8 10^8 यस और नो? माइनस 19 माइनस 4 माइनस 23 प्लस 31 दैट इज 10^8 करेक्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज 16.9 इंटू 10^6 हर्ट्स. सो द आंसर शुड बी 16.9 मेगा हर्ट्स. दिस मस्ट बी द आंसर 16.9 मेगा हर्ट्स. नाउ वी विल कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन केईवी. तो एनर्जी के लिए आ जाएं, कौन सी एनर्जी होगी पार्टिकल के पास? कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? याद हो तो इसमें वर्क डन तो जीरो था. इफ वर्क डन इज जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो. तो कौन सी एनर्जी रह गई? काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी ई इज इक्वल टू 1/2 mv². यस और नो? वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी. तो 1/2 mv², चलो 1/2 एज इट इज. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 × 10^-31 v² v कितना है? 3 × 10^7² दैट इज 9 × 10^14 9 × 9 81 81 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट 40.5 इंटू माइनस 31 प्लस 14 कितना बने? दैट इज 10^2 माइनस 17. सो दिस इज द आंसर इन जूल. बट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दिस आंसर इन केईवी, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट. तो पहले हम लाएंगे ईवी में. तो 1 ev इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल. देन 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10^-19 ev. तो जूल में से ev में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^-19. ये आंसर मिलेगा हमें ईवी में. बताओ कितना आ रहा है? 40.5 / 1.6 सो दैट इज 25.31 × +19 − 17 दैट इज 10^2 सो दिस कैन बी रिटन एज 2.5 keV. सो एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रोवोल्ट दैट इज 2.5 kilo electro volt. सो एनर्जी इन केईवी दैट इज 2.5 kilo electro volt. क्या ठीक? एकदम क्लियर. पहले रेडियस निकालेंगे mv/qb. फॉर्मूला याद होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू qb/2πm लगा दो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 16.9 मेगा हर्ट्स. एनर्जी आएगी 2.5 kilo electro volt. चलो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.12. इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस. अब मैग्नेटिक फील्ड जो दी है वो किस में दी है? गॉस में. और हम रिलेशन जानते हैं 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला. तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लिखनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? टेस्ला में. तो ये क्या बन जाएगी? 6.5 × 10^-4 टेस्ला इज मेंटेन. मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है. एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 × 10^6 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द फील्ड. चलो अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टू द फील्ड है, इट मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल परफॉर्म विद टाइप ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन. तो मोशन जो होने वाला है वो सर्कुलर मोशन होगा और स्पीड दे दी है वो कितनी है? 4.8 × 10^6 मीटर पर सेकंड. एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल.
अब एक्सप्लेन करने को बोला, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन थियरी. हियर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाथ सो पार्टिकल विल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. राइट, ये हो गया एक्सप्लेनेशन. मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पाथ. पाथ के परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स. एंड व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पाथ देन ऑब्वियसली द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. क्या ठीक? ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. याद है रेडियस का फॉर्मूला? यहीं पे लिखा है mv/qb. तो r इज इक्वल टू mv/qb. चल, क्या r है हमारे पास? नहीं है, वही तो फाइंड करना है. बट e एंड m दैट इज गिवन टू अस, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन टू अस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन टू अस. सो 9.1 × 10⁻³¹ kg into speed that is 4.8 × 10⁶ meter per second. Q that is the charge of electron that is 1.5 × 10⁻¹⁹ coulomb and B magnetic field that is 6.5 × 10⁻⁴ tesla. Okay. If we solve it numerically, then we will get 4.48 × 10⁻³¹⁶ that is −25 + 19 that is 10⁻⁶. 10⁻⁶ + 4 that is 10⁻². So 10⁻². So here we can write 4.4 × 10⁻²⁷ meter, so 4.4 centimeter. So the radius of circular path should be 4.4 centimeter. Radius of circular path should be 4.4 centimeter. ये हो गया exercise numerical 4.11. अब मैं आपको एक homework में दे रहा हूँ, exercise numerical 4.12. 4.12 I am giving you in homework. एग्जाम्पल 4.3 हमने कर लिया, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.11 कर लिया. अब आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.12. विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.